हाय फूडीज, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तंदूरी चिकन की रेसिपी, जिसके लिए करीबन 700 से 800 ग्राम ब्रॉयलर चिकन दिया है, जिसके ऊपर कट्स लगाए हैं। उसके साथ इसमें प्याज डलेगा एक मीडियम साइज़ का, और फिर 6-7 तुरियां लहसुन की, और अदरक करीबन 1 इंच का पीस। उसके साथ ये रेसिपी दो स्टेजेस पे बनेगी। पहली स्टेज में हम प्याज लहसुन अदरक को पीसेंगे, और इसमें साथ ही साथ आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची, और आधे से कम चम्मच जो है हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। जो है दूसरा स्टेप है, उसमें हम देगी मिर्च, नींबू का रस, गरम मसाला और केसर यानी कि सैफरन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्याज लहसुन अदरक और मसालों को मिक्सी में पीस लेना है। तो ये मसाला पीसा गया है, और इसको अब हमने चिकन के ऊपर रब करना है अच्छी तरह से। कट्स के बीच में भी आप रब कर दीजिए। तो ये सारा का सारा मसाला हम इसकी कैविटी में अंदर भी लगाएंगे, और टांगों पे भी अच्छी तरह से रब करेंगे। अगेन कट्स के बीच में भी मसाले को अच्छी तरह से आपने लगाना है, और इस तरह से मसाला लगा के करीबन 15 से 20 मिनट, या अगर आप चाहें तो आधा घंटा इसको मैरिनेट करके रखना है। अब पानी डालिए और इसमें उबाल आने दें। ये उबाल ऑलमोस्ट उबाल आ ही गया है, तो आपने चिकन को एक साइड पे इस तरह से लिटा देना। जो भी मसाला बीच में रह जाता है उसको आप दोबारा से इस पे मल दीजिए, और इस तरह से चिकन को आपने मध्यम आंच पे धीमी कर देनी है, मीडियम फ्लेम, और मध्यम आंच पे ढक के आपने पकाना है जब तक पानी सूख नहीं जाता। इसको 7-8 मिनट हो गए हैं कुक होते हुए। अब हमने इसको दूसरी साइड पे पलट देना है इस तरह से, और इसको फिर से हमने पकने देना, पकाएंगे जब तक पानी बिल्कुल सूख नहीं जाता। इसको फिर से ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही पका। तो अगर पानी ना सूख रहा हो तो इसको आप फुल फ्लेम पे करके सुखा दीजिए। तो 15 से 20 मिनट में ये डन हो जाता है। तो बस आप इसको बंद कर देंगे, और ये देखिए आप अच्छे से मसाला इसके आसपास लिपट गया है, और अब इसको ठंडा होने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप करेंगे। चिकन अब ठंडा हो गया हुआ है, तो अब हम इसका दूसरा स्टेप करने जा रहे हैं। तो इसके लिए ये 2 टेबल स्पून नींबू का रस, और इसमें चुटकी भर केसर डाल दिया है, तभी आप देखिए इसका रंग पीला होता जा रहा है। तो ये थोड़ा पहले डालना पड़ता है। उसके बाद आप इसमें नमक जो है आधा चम्मच, और गरम मसाला भी करीबन आधा चम्मच के करीब आप इसमें डाल दीजिए, और उसके साथ जो देगी मिर्च है वो आधा चम्मच से थोड़ा सा कम देगी मिर्च आप इसमें मिला दें। अब आप इसको ब्रश से या चाहे चम्मच से ही आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि ये सारा मिक्सचर हमने चिकन के ऊपर लगाना है। तो अब ये जो मैरिनेशन है इसको हम चिकन के ऊपर लगाना शुरू कर दें। देखिए रंग भी कितना प्यारा आ गया इसका, जैसा तंदूरी चिकन हम ज़्यादातर पसंद करते हैं वैसा, और इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर भी नहीं डाला गया। इस तरह से आप एक तरफ से अच्छी तरह से ब्रश करके फिर आप इसको टर्न कर दें, और दूसरी तरफ से ब्रश करना शुरू कर दें। तो इस तरह सारा मसाला आप ऊपर भी ब्रश कर दें, और इसकी जो कैविटी है अंदर उसमें भी आप अच्छी तरह से लगा दें। और अब इसको आप करीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए मैरिनेशन करके रख दीजिए। मैरिनेटेड चिकन को मैंने एयर फ्रायर में डाल दिया है, एयर फ्रायर पैन में, और इसको आप अवन में भी पका सकते हैं। अगेन वही 180 डिग्री पे आपने 5 मिनट एक साइड पकाना है और 5 मिनट दूसरी साइड। एयर फ्रायर को मैंने गरम पहले से ही ऑन कर दिया है। थोड़ा सा ऑयल हम डालेंगे इसके ऊपर और ब्रश कर देंगे, और जब साइड चेंज करेंगे फिर से ऑयल लगा देंगे। 5 मिनट अब एक साइड पे हम इसको अंदर रखने जा रहे हैं। 5 मिनट में
आप देख सकते हैं 5 मिनट में ये अच्छे से ब्राउन हो गया है, रेडी हो गया है। तो अब हमने इसको टर्न करना है दूसरी साइड के लिए, ताकि दूसरी साइड से भी इवनली कुक हो जाए और 5 मिनट के लिए इसको अंदर रख देंगे। और 5 मिनट पूरे हो गए, ये देखिए बन के तैयार है हमारा घर का होममेड तंदूरी चिकन। ये देखिए तंदूरी मुर्ग बन के तैयार है, इसे थोड़ा प्याज और चटनी के साथ सर्व कीजिए और एंजॉय।